देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांब की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। यीशु मसीह चार जानवरों को उदाहरण इसमें दे रहे हैं। भेड़ों की तरह निर्भरीय बनना है, भेड़ियों की तरह नहीं बनना है, क्योंकि इस संसार में भेड़ियों की संख्या पहले से ही अधिक है। भेड़ अपने बचाव के लिए परमेश्वर पर आश्रित रहता है, उसी तरह हमें भी अपने बचाव के लिए परमेश्वर पर आश्रित रहना है। कबूतर की तरह भोले, नम्र और निष्कपट रहना है, मतलब हमारे कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और सांप की तरह बुद्धिमान चतुर बनना है, अपनी तरफ से हमेशा शांति बनाए रखें।